गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने वाक्यों के प्रकार पढ़े थे, विधान सूचक वाक्य, निषेधाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। और इसकी जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज नंबर 6, पेज नंबर 8, चैप्टर नंबर 1, ये हमने सॉल्व किया था भाषा तथा व्याकरण का। अब आज थोड़ा रचनात्मक कार्य की तरफ हम बढ़ते हैं, तो आप पेज नंबर 9 पर आ जाइए और रचनात्मक कौशल निकाल लीजिए। ठीक है, रेडी हो गए आप पेज नंबर 9 चैप्टर नंबर 1 निकाल कर? ठीक है, तो मैं पढ़ती हूँ। वर्षा की पहली बौछार अथवा मुझे वर्षा पसंद है पसंद नहीं, विषय पर अनुच्छेद लिखिए। यानी वर्षा की जब पहली बौछार पड़ती है या मुझको वर्षा पसंद है या ना पसंद, तो इस विषय पे आपको अनुच्छेद लिखना है। अब बच्चों, आप सोच रहे हैं अनुच्छेद क्या होता है? तो अनुच्छेद एक प्रकार का, जैसे कि हम क्या लिखते हैं हिंदी में, निबंध लिखते हैं, उसी का यानी कि संक्षिप्त रूप अनुच्छेद है। इसमें अपने विचार या छोटे रूप में, छोटे छोटे सेंटेंस में या बड़े रूप में आपको लिखना पड़ते हैं। तो बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद क्या होता है। तो आपको यानी वर्षा की पहली बौछार या वर्षा आपको पसंद है कि नहीं है, इस विषय पे आपको अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, अब सेकंड देखिए, वर्षा ऋतु पर फाइल फोल्डर बनाइए जिसमें वर्षा से संबंधित निम्नलिखित जानकारी, यानी आप फाइल का फोल्डर बनाइए और उसमें क्या क्या जानकारी हो, वर्षा कब आती है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत पैसा खर्च करें, पेज खरीदें और फिर बनाएं। जो आपके घर में पेज अवेलेबल हो उसी से आप अच्छे से सजा कर फोल्डर बना सकते हैं। तो उसमें क्या क्या लिखना है, वर्षा कब आती है, तो हिंदी के महीने कि कब वर्षा आती है वो लिखना है। वर्षा से संबंधित आपको चित्र चिपकाना है। वर्षा ऋतु में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं ये लिखना है। वर्षा से संबंधित राग तथा लोकगीत लिखना है। वर्षा ऋतु अपने साथ साथ क्या लाती है ये लिखना है। फिर वर्षा ऋतु में क्या विशेष बाजार में बिकने लगती है आपको ये लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका मनोरंजक गतिविधि। मनोरंजक गतिविधि में आपको क्या दिया गया है, कविता के आधार पर वर्षा का चित्र बनाइए। कक्षा के छात्रों को 5 या 10 के समूह में बांटकर एक विशेष अंक निकालें जिसमें वर्षा से संबंधित स्वरचित कविताएं लिखिए। विशेषांक के लिए कोई उपयुक्त शीर्षक भी दीजिए। देखिए, आपको अपने घर पर ही वर्षा से संबंधित क्या चित्र बनाना है। अब क्लास में अभी छात्र तो नहीं है, है ना, आप घर पर हैं अभी, तो आप क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे और खुद उसमें जैसी कविता बनती है वैसी लिखिए और उसका शीर्षक दीजिए। देखिए, आपका मनोरंजन भी होगा और आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, और आप बोर भी नहीं होंगे। तो आप ये काम, आपका होमवर्क है, तो आप ज़रूर करिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब हम सेकंड चैप्टर आपका स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए टेक केयर।